रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। अर्थात बीजगणितीय का मतलब होता है इसका समीकरण बनाना और ग्राफी रूप का मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका हम हल का सॉल्यूशन करेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तो आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। देखो, इसने हमने आफताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है और उसकी पुत्र की आयु क्या है, पुत्री की आयु है वाय वर्ष है। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। अगर आफताब की अगर वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो उसके 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, x-7। ठीक है, तो आफताब की तो 7 वर्ष पूर्व यानी पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तो x-7 हो जाएगी, और 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु y-7 वर्ष हो जाएगी। देखो, आफताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व, मान लिया मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, तो 25 में से हम 7 वर्ष घटा देंगे तो हमारी 18 वर्ष आ जाएगी। हमने क्या किया था, तो 25 में से हमने क्या किया था, 7 घटाया था, तो वैसे ही हमें 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद की कहता है तो हम उसमें प्लस करते, तो 7 वर्ष पूर्व। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो आफताब की देखो 7 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी x-7 और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगी y-7। ये दोनों की, ये तो है आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु और ये आफताब की पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु। अब ये कह रहा है आफताब के 7 वर्ष पूर्व मैं जो तुम्हारी 7 वर्ष पूर्व जो आयु होगी तो उससे मैं 7 गुना का हो जाऊंगा, तो इससे हम 7 से गुणा कर लेंगे, तो x-7 बराबर 7y-7 49। 7y को हम इधर पक्षांतरण कर देंगे और 7 को उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो x ये 7y प्लस के तो इधर इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 7y बराबर -49 और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो +7। तो x-7y बराबर -42 समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट आई x-7y बराबर -42, ये सॉल्यूशन हुआ है हमारा हल 7 गुनी का आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का हो जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु तो x+3 वर्ष हो जाएगी, और 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु तो y+3 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का हो जाऊंगा, तो दूसरी शर्त है, तो x+3 बराबर y+3 और इसका 3 गुना, तो x+3 बराबर 3y+9। 3y को इधर और 3 को उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो x-3y बराबर 9-3, तो x-3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2।
समीकरण नंबर एक है x माइनस सात वाई बराबर माइनस बयालीस, और दूसरी समीकरण x माइनस तीन वाई बराबर छः समीकरण नंबर दो। इसे हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब हमें समीकरणें बनानी, ग्राफी विधि से हल करना है, इसका मतलब हमें इसमें ग्राफ बनाना है। अब तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो x माइनस सात वाई बराबर माइनस बयालीस, और दूसरी समीकरण है x माइनस तीन वाई बराबर छः। साइन चेंज, या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसल, प्लस माइनस माइनस, इसको और इसको देखना, माइनस प्लस माइनस, माइनस सात वाई में से तीन वाई गए तो माइनस के चार वाई बचा, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, माइनस अड़तालीस, माइनस से माइनस कैंसल, तो वाई बरोबर अड़तालीस बटा चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, तो वाई बरोबर आ गया हमारे पास में बारह। ठीक है, अब वाई के मान को, y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण नंबर एक है x माइनस सात वाई बराबर माइनस बयालीस, तो x माइनस सात वाई बराबर माइनस के बयालीस, और y की जगह हमें रखना है 12, तो x माइनस सात इंटू बारह बराबर माइनस के बयालीस, तो x माइनस बारह सात चौरासी बराबर माइनस के बयालीस, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के, तो x बराबर माइनस बयालीस प्लस चौरासी, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस, तो चौरासी में से बयालीस गए तो बयालीस बचे, वो भी किसके, प्लस के। तो हमें इस समीकरण से हमें पता चला कि आफ्ताब की वर्तमान आयु तो हो जाएगी बयालीस वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी बारह वर्ष। अब हमें इसे ग्राफी विधि से अर्थात से सोल्व करना है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है x माइनस सात वाई बराबर माइनस बयालीस, और सेकंड समीकरण है x माइनस तीन वाई बराबर छः। अब हमने कॉमन मान निकाले, हमने भी आए बयालीस और बारह, x का तो बयालीस और y का बयालीस, x का तो बयालीस और y का बारह। अब हम समीकरण नंबर फर्स्ट लेते हैं, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो माइनस बयालीस प्लस का सात वाई। अब हमें यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जिससे कि इसमें हम भाग लगाएं जो पूरी पूरी बार ये हो जाए, तो y बरोबर हमने रखा इसका जीरो, तो x बराबर माइनस बयालीस प्लस सात इंटू जीरो, तो x बराबर माइनस बयालीस और प्लस का जीरो, तो x बराबर आ गया माइनस का बयालीस, तो y का तो आ गया जीरो और x का आ गया माइनस का बयालीस। एक मान और रख देते हैं हम इसी में, y बराबर छः रख देते हैं, तो y बराबर हमने रखा छः इसी में, ठीक है, तो x बराबर माइनस बयालीस प्लस सात इंटू छः, तो x बराबर माइनस बयालीस प्लस सात छंग बयालीस, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस जीरो, तो y का तो आ गया छः और x का आ गया हमारे पास में जीरो। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई है। सेकंड है कि x माइनस तीन वाई बराबर छः, तीन वाई को उधर पक्षांतरण किया, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो एक्स बराबर छः प्लस तीन वाई, ये हमारी समीकरण बन गई। अब हमें देखो वाई बराबर संख्या रख दो, तो वाई बराबर हमने रखा जीरो, तो एक्स बराबर छः प्लस तीन इंटू जीरो, तो एक्स बराबर आ गया छः प्लस तीन को जीरो से गुणा किया जीरो, तो एक्स बराबर आ गया छः, तो वाई का तो आया हमारे पास में वाई का तो आया जीरो और एक्स का आया छः, एक्स का आया छः। ऐसे ही एक मान और रख देते हैं हम, समीकरण नंबर यही है, तो वाई बरोबर हम रख देते हैं इसमें दो, वाई बरोबर दो, तो एक्स बराबर छः प्लस तीन इंटू दो, तो एक्स बराबर छः प्लस छः, तो एक्स बराबर आ गया बारह, तो वाई का तो आ गया दो और एक्स का आ गया बारह। अब हमें इस समीकरण से हम इसको हमें एक ग्राफी विधि से इसको सोल्व करेंगे, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ये है ग्राफ, ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, इसमें एक्स की हाईएस्ट संख्या है बयालीस, तो हम इसमें दस दस के अंतर में लिख देते हैं, दस बीस तीस चालीस और ये हो गया पचास। ऐसे इधर भी दस माइनस के दस माइनस का बीस माइनस का तीस माइनस का चालीस और माइनस का पचास, और y की हाईएस्ट संख्या है 12, तो इसमें हम पाँच पाँच के अंतर में लिख देते हैं, पाँच दस
15, माइनस 5, माइनस 10 और माइनस 15। पहला है x का 42 और y का 12, तो देखो 40, 41 और 42, ये 42 और x का 42 और y का 12, ये 10, 10 और ये हो जाएंगे हमारे पास में 12, ठीक है। फिर और आए माइनस का 42 और 0, तो माइनस 40 और 42 ये यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में x का 0, y का 6, x का 0, y का 6, ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब हमें इस तीनों पॉइंटों को एक सीधी लाइन में हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये एक सीधी लाइन में नहीं मिलता है तो हमारे इसका मतलब हमारे कोई ना कोई मिस्टेक मान में हुई है। एक ही लाइन में मिल रहा है, हमें थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमें ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्स का 42, वाई का 12, एक्स का 42, वाई का 12, एक्स का 6, वाई का 0, तो ये 10, 5, ये एक्स का 6, ठीक है, और वाई का 0, एक्स का 12, वाई का 2, तो ये एक्स का 12 और वाई का 2, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। और हमें इस वाले से हमें इसको मिलाना है, तो इस वाले से हम इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऊपर तक जाने देंगे। अब ये हमने इसका ग्राफ बना दिया है, अब इसका पैमाना लिखना है। पैमाना हमें राइट हैंड के कॉर्नर में लिखना है, तो पैमाना ओ एक्स अक्ष पर, ओ एक्स अक्ष पर, ओ एक्स अक्ष पर हमने 10-10 का अंतर लिया, तो 10 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना। वैसे हमें ओ वाई अक्ष पर लिखना है, ओ वाई अक्ष पर, इधर हमने 5 सेंटीमीटर का अंतर लिया, तो 5 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना। तो इस सवाल में हमने कि हमें ग्राफ कैसे क्या कैसे बनाते हैं वो सीखा है। आप इस सवाल की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा।